सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ क्या सलूक होता है, आपको बताते पीलीभीत में देखने को मिला है। जिला महिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गर्भवती को वार्ड में आए थप्पड़ मार दिया गया है, उसका पर्चा फेंक दिया। उसके बाद भी पीड़ित ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी है। एसडीएम ने आरोपी वार्ड पर आए आरोपी को साथ ही हटाकर अपने कार्यालय में औचक लगा दिया है। बताया जा रहा है कि शहर निवासी नीतू मिश्रा को दवा लेने के लिए पर्चा पर डॉक्टर ने साइन करवाया। जैसे ही उसे पर्चा डॉक्टर ने आगे बढ़ाया तभी डॉक्टर को बराबर में खड़ी बाढ़ और नीलम निशु का पर्चा फेंक दिया, थप्पड़ मारा। उसके बाद निशु ने पुलिस को बुलाकर हंगामा किया है और मौके पर पहुंचे पुलिस आरोपी को ऑफिस में ले जाकर हालात में बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट पीलीभीत से धर्मवीर चौहान की। हमें दवाई लेने तो हमने कहा हम दवाई ले लें अपनी, तो हम आए वहाँ लेके गए तो उन्होंने हमसे कहा डेटल वाला आज की तब दवाई मिलेगी। उन्होंने आकर हमने कहा सब भीड़ लगी तो ला हम भी, हमें दिखाना तो है नहीं। हमने कहा डॉक्टर दवाई डेट डाल दो डेट डाल दो, तो वो आए धक्का हमें दे दिया और वहाँ थप्पड़ मार दिया। ठीक है, छोटी सी है, हमारा नाम सिलू मिश्रा है, सिलू मिश्रा। हाँ यही हमारी पुरान है। जो जिनने मारा है जो क्या नाम सरकारी नाव का नहीं पता नहीं, मैं सरकारी नाम नहीं जानते, डॉक्टर नहीं पर्चा से जमा करती है। इसमें जैसा महिला ने बताया कि हमें मारा है, लेकिन और लोगों से मरीजों के रिश्तेदारों से पूछा गया, डॉक्टर जो ओपीडी में डॉक्टर पुष्पा पंत उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हाँ पर्चा जरूर उन्होंने फेंक दिया था। इससे महिला काफी नाराज हो गई है। तो मैंने नीलम जो वार्ड आया है जिन्होंने पर्चा फेंका था उनको मैंने यहाँ से ओपीडी से हटा के अपने ऑफिस में लगा दिया। महिला का कहना है कि हमें धक्का दिया और हमें जो है थप्पड़ भी मारा है। ऐसा तो आसपास जो मरीज खड़े हुए थे उन्होंने तो मना किया कि मारा नहीं गया है, ना ही डॉक्टर जो ड्यूटी पे हैं डॉक्टर पुष्पापन ओपीडी जो मरीज देख रही उन्होंने भी बिल्कुल साफ मना किया कि नहीं।